वेलकम बैक टू माय चैनल अब्दुल्ला गेमिंग। सो वी आर स्ट्रीम गाइस। तो गाइस मैं थोड़ी देर ही हुई है मैं इधर बैठ खड़ा हूँ और नीचे देखते हैं कि नीचे कितने ज़्यादा मॉब्स स्पॉन हुए हैं। तो गाइस चले नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं और देखते हैं कि उधर कितने मॉब्स स्पॉन हुए हैं। सो गाइस चले नीचे चलते हैं और एक्सपी हमारे पास ओनली 4 ही है। इतनी बार ऊपर से नीचे गिर रहा हूँ ना गाइस, वो मैं चलता रहता हूँ, चलता हूँ आराम से इजीली और पता नहीं गिर जाता हूँ एकदम से। उधर से कैसे मार रहे हो? और मार रहे हो तो क्यों मार रहे हो? इधर तो वही वाला गाना लगाना पड़ेगा, तेरा बाप आया, वही वाला सॉन्ग अगर इधर लग जाता तो बिल्कुल सही होता। ये आर्मर इधर तो बहुत स्पेस है यार। तो गाइस मैं आज अपने आइलैंड के ऊपर अपना एक प्यारा सा बेस बनाने वाला हूँ एक, और जिसके लिए मुझे बहुत सारा वुड चाहिए, वुड स्लैब्स चाहिए। इनकी मीन्स मुझे ओक वुड नहीं चाहिए, ओक वुड प्लैंक्स एंड ओक वुड स्लैब चाहिए। तो ये ले लेते हैं इनको, ओक वुड प्लैंक्स में कन्वर्ट करते हैं। और गाइस मैं मिलता हूँ आपको सारा सामान कलेक्ट करने के बाद। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं और दे मुझे अभी बस प्लेस डिसाइड करने के किधर अपना घर होगा दूसरा, वो फिर इसको भी ब्रे तोड़ना है यानी कि। तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर बना दूँ ये जो प्लेस है। तो गैस पहले 4x2x2 का एक 3 ब्लॉक्स या 2 ब्लॉक्स आगे तक वो ले जाते हैं क्या ये स्लेब्स, फिर अपना बिल्ड स्टार्ट करेंगे। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि उसको सर्कल टाइप में कर दूँ, सर्कल कैसा लगेगा गाइस? बस 3 ब्लॉक्स 3 स्लैब्स है ठीक है। मैं भी इधर से स्टार्ट करूँगा सर्कल में। हाँ गाइस ऐसे ही मैं बिल्कुल ऐसे घूम फिरा के इसको इधर ऐसे सर्कल सर्कल देने वाला हूँ, इसको इतना घुमाऊंगा इसका सिर घूम जाएगा। क्या क्या इतना तो मुझे किसी ने नहीं घुमाया जितना तुमने घुमा दिया। तो गाइस मैं मिलता हूँ ये जमीन बनाने के बाद। तो गाइस कि मैंने कहा था मैं ये जगह बना के मिलूंगा, ये साइड वाले ये इसका ये साइज़ के कितना होगा। तो मेरे उस दूसरे घर की वजह से बड़ा नहीं बन रहा था, और वैसे मैं बड़े का करूँगा क्या, छोटा ही ठीक है ना यार। मैं वैसे ही बार बार बड़े बड़े की बात कर रहा हूँ। तो अभी इसको फटाफट से बनाते हैं। तो मैं बैठा क्यों हूँ, ये तो कड़े होके भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह बनेगा। तो जल्दी से इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता, क्यों नहीं होता, पूरा वो स्टेशन बनाना है मैंने अपने उसके लिए क्या है बोट के लिए, और वो करना है क्या कहते हैं दूसरा एक्सपी फॉर्म भी बनाना है। यानी ये एक ही ठीक है, ठीक है इस वाले घर को भी तोड़ेंगे तो इससे थोड़े बहुत स्लेब मिल जाएंगे, ये जो ये वाला घर नहीं है। और अपने ट्री फार्म को भी बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा काम है और भी करना है, आइलैंड को भी बड़ा करना है क्योंकि थोड़ी चीज़ें तो हम नहीं बनाने वाले, वैसे स्लेब भी ख़त्म होने वाले हैं अभी। ये लो 16 स्लेब्स रह गए। और तो मैं सोच रहा हूँ कि ये इसका 1 रूफ या 2
मैं सोच रहा हूँ ये इसका दूसरा फ्लोर भी बना दूँ, मगर नहीं यार, एक फ्लोर ही ठीक है। तो मैं जाता हूँ और वो बनाता हूँ, क्या कहते हैं, और वुडन प्लैंक्स बनाते हैं, और प्लैंक्स बनाता हूँ। मुझे चाहिए, कितने चाहिए, चल कोई नहीं, ये 60 ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि इतनी तो स्पेस नहीं है जितने मैंने बना दिए भाई। 60 ज़्यादा है इनके ऊपर, वैसे मैंने ज़्यादा बना दिया, कोई नहीं, बाद में यूज़ आ जाएंगे किसी चीज़ को करने में। तो चेस्ट लगाने के लिए नीचे मुझे ओ इसका वोट लगाना पड़ेगा, प्लैंक नहीं, प्लैंक लगाना पड़ेगा। इधर तो स्लेब लगाना है, और जिधर बेड लगाना है उधर भी प्लैंक लगाना है। तो गाइस ये तो हो गया है, इसके साइड में मुझे एक स्विमिंग पूल भी बनाना है। अभी याद आया, मैं सोच रहा हूँ कि और क्या बनाना है, अभी याद आया कि स्विमिंग पूल भी तो बनाना है। तो ये हाफ 60 का तो हाफ गया है, चला गया 28, 27, बहुत सारा रह गया, बहुत सारा। स्विमिंग पूल में तो इतना यूज़ भी नहीं होता, वो तो सारा सिर्फ साइडों पे लगाना पड़ता है, और नीचे उसमें तो स्लेब्स का कोई काम ही नहीं है। 17 स्लेब्स रह गए स्विमिंग पूल के लिए, अच्छे डिज़ाइन के लिए थोड़े से थोड़े बहुत यूज़ कर लूँगा बस बाद में, अभी तो चाहिए नहीं है। अभी इनकी वॉल्स लगानी स्टार्ट करता हूँ, ये बन नहीं हुआ तो गाइस चलें इनकी वॉल्स बनानी स्टार्ट करता हूँ। ये क्या है, नहीं ये क्या है, मैं सोच रहा हूँ उधर 17 क्यों लगे, 16 रहने चाहिए थे। एक स्लैब छोड़ी है मैंने लगाना, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई इधर 17 कैसे बचे, 16 बचने चाहिए थे। ये हुआ कंप्लीट, लो भाई एक और भी चाहिए, लो भाई मैं भी अंदाज़ा गलत लगा रहा था, मैंने भी अंदाज़ा गलत लगाया। और गाइस अभी मुझे लगता है मुझे सिर्फ एक और ही स्लेब चाहिए, तो गाइस फिर मेरा ये जो घर है ना ठीक हो जाएगा। ये है क्या भाई, और तो मैं ये लगा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आने वाला हूँ इधर। यार ये क्या है भाई, 2, 3 यार कसम से, क्या करना है, इधर ये एक लगाया, इधर ये लगाया, ये यार पता नहीं है क्या हो रहा है। तो फर्स्ट इधर ये भाई मैं घर की लुक गंदी कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैं गलत कह रहा हूँ, अच्छी कर रहा हूँ, ऊपर से कह रहा हूँ गंदी कर रहा हूँ, क्योंकि बीच तो ऐसा ही रहना है, ये सिर्फ साइड स्पेस करना है। इसको 4 ब्लॉक्स ऊपर करो, ये जो और है ना इसको मैं बाद में 4 ब्लॉक्स ऊपर करता हूँ। तो यही मैंने चारों साइड करना है। तो गाइस मैं मिलता हूँ ये काम करने के बाद। तो गाइस जिसकी मैंने कहा था मैं साइड पूरी करके आपके साथ मिलता हूँ, और ये थोड़ी सी रूफ भी ऐसे कर दी ताकि मुझे वो यानी कि मैं थोड़ा सा वो करूँ, इसको जल्दी से करूँ, यानी मुझे किसी चीज़ की हेल्प और ना चाहिए हो। तो गाइस मैंने अभी स्लैब बनाए थे और ये ख़त्म हो रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो ओनली 19 और 19 इस पूरे घर के लिए वो नहीं है बराबर, ये नहीं है, यानी कि लो कह रहा था कि अभी ख़त्म हो जाएंगे, और ये लो
हो भी गए। एक ना फेंक नो क्लियर करो। ये मेरा प्लेयर खुद बहुत फेंक रहा है और प्लेस भी अपनी मर्जी से कर रहे जा रहा है। मैंने इसको कुछ कहा ही नहीं है, ना ही कोई ब्लॉक को तोड़ा है या कोई स्लैब को तोड़ा है, ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। यार मैं बार बार उधर के आ जाऊँगा, इस बारी वो ही लेकर आ रहा हूँ क्राफ्टिंग टेबल, क्योंकि वैसे भी तो सेटअप इधर ही करना है ना। ये लगाऊँ, चल मैं जल्दी से जाता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल लाता हूँ। भाई मेरे प्लेयर को क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों चल रहा है, बार बार रुक रहा है। ठीक से चलो ना, दंगा है कोई नहीं। बहुत दिनों बाद हाथ से तोड़ रहे हैं एक क्राफ्टिंग टेबल को। तो गाइस इसको किधर प्लेस करें, इधर तो अपना बेड होने वाला है। ये वाली साइड बेड है, बेड के साइड पे इधर क्राफ्टिंग टेबल, इधर फिर बाद में फर्निस होगा। मगर फर्निस का चौड़े पहले स्लैब्स बनाते हैं। मेरे दो तीन ट्रीज रह गए थे, अभी उनको भी तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये स्लैब्स ये भी ठीक नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं है इन सब के लिए। पता नहीं ये स्लैब इसमें 6 क्यों बनते, अगर 20 बनते तो भी अच्छा होता, यानी कि इतना भी नहीं हो। वैसे ये सही अमाउंट देते हैं स्लैब्स का, क्योंकि एक प्लैंक को अगर आप 200 में कर लो तो वो एक वो हो जाता है स्लैब, दो स्लैब हो जाते हैं, तो 3 से वो क्या है, अगर ये 1 से 3 देते तो वो 1 से 3 देते तो वो अच्छा हो जाता, मगर ये 1 से ही 3 से 6 दे रहे। दे दो ना यार, मैं बार बार इसके लिए ऊपर या ऊपर एक ब्लॉक तोड़ूंगा। मेरा प्लेयर खुद बहुत पता नहीं क्या क्या करे जा रहा है। मेरे ख्याल से इसका मूड नहीं है आज गेम खेलने का, इसलिए ये ऐसे कर रहे हैं। टॉर्चेस भी उस घर से तोड़ के लानी है बहुत सारी, उधर भी मैंने वेस्ट की हुई है, इधर भी है बहुत सारी, वो लगानी पड़ेगी। रूफ पे भी बहुत सारी लगानी पड़ेगी, इधर भी बहुत सारी टॉर्चेस लगने वाली है, इसे बैठ और वो चीज़ें भी शिफ्ट करनी है, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत, कुछ नहीं होता उससे। जल्दी से तोड़ो यार, कैसोरी लगाओ और ये इसी लाइन को उसने पूरा करना था। आधा घर तो मेरे ख्याल से हो चुका है, रूफ भी आधी सी थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है। मुझे पहले अपने न्यू घर में जाना है, स्पॉन पॉइंट उधर सेट करवाना है तो थोड़ा सा अच्छा होगा। फिर अगर मर भी गया तो अपने न्यू हाउस में स्पॉन होगा। भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों आ गए साइड, बैट इधर ऐसे होगा, सॉरी इधर ये स्लैब्स नहीं लगाने, मैं इधर ये स्लैब लगा देता ना। अभी मुझे पूरा नीचे जाना पड़ेगा इन लोग कलेक्ट करने के लिए। कर लिया मैंने कलेक्ट, आवाज़ तो ज़्यादा कलेक्ट करने की आई। और चलो नहीं चढ़ाएंगे, नीचे से ही निकलना पड़ेगा। वैसे ये बहुत अच्छा है, कॉर्नर में से होकर निकल जाओ। गैस तो मेरे पास दो दो वो हो चुके हैं, इधर स्लैब किधर गए, 10-10 स्लैब अभी भी इन्वेंटरी में पड़े हुए। भाई
मैं वैसे ही वो कर रहा हूँ। स्लेब्स खत्म हो गए, स्लेब्स खत्म हो गए। 10 तो फिर भी पड़े हैं, इतना तो काम कर देंगे। किधर निकालो भाई स्लेब्स को, 2 सेकंड में भी इन 9 स्लेब्स को ख़त्म करता हूँ। जल्दी 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 हो जाऊँ। अपना न्यू घर बिल्ड होने ही वाला है, बस थोड़ा सा और वुड चाहिए। जो मेरे ख्याल से घर में पड़ा है, मैंने तो सारा वुड नहीं निकाला ना, मेरे ख्याल से सारा ही निकाला है। हाँ हाँ सारा निकाला। मुझे फिर से ट्री चॉप करने के लिए जाना पड़ेगा। वैसे इसको मैंने अभी चॉप करके लगाया था, फिर बड़ा भी हो गया। थोड़ा ही बहुत का मतलब है, थोड़ा बहुत, एक और ट्री बस। मुझे लगता है इतने से भी काम हो जाएगा। चले वो चलते हैं और बनाते हैं सारे स्लैब्स इसके। भाई पानी में इसको तैरना बहुत अच्छा लगता है। ये 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 ठीक होंगे मेरे ख्याल से। नहीं नहीं और कितने चाहिए? मेरे ख्याल से 18 थोड़े से कम हो चुके हैं। थोड़ा सा कम हो चुके हैं 18, क्योंकि इधर 18 नहीं वो चाहिए थे। क्या है, छोड़ो भाई भूल गया, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पूरी। 1, 2, 3, 4, 5, चलो कोई नहीं, एक ज़्यादा हो जाएगी। ये इधर जाओ, ये एक जो ज़्यादा हुई है ना, इसको इधर लगा देता हूँ। वैसे इसका लुक अच्छा नहीं लग रहा उधर से। ये लो प्लेस कर दिया उधर। तो घर की रूफ हो चुकी है, अभी मुझे उधर से सारे डोर्स और चेस्ट वगैरह ब्रेक करके इधर लाने। अभी प्रोग्रेस अपना ये है। ये चेस्ट तोड़ता हूँ, देखता हूँ इससे कितना सामान गिरता है। भाई फिर भी अपनी इन्वेंटरी में जगह है। ये तो भाई ये प्रेशर प्लेट्स के लिए भी चाहिए। ये वाला वो इसको नहीं तोड़ना था, इसको भी तोड़ा। ये लगाया, ये लगाया और ये लगाया। तो ड्रॉर्स लग जाने चाहिए ना यार, इधर तो कम से कम लगा दो। किधर ये रे लग रहे, लग रहे। एक और मुझे बस ये प्रेशर प्लेट बनाना है, तो फिर तीसरे का भी हो जाएगा। वन मोर प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट किधर है भाई? प्रेशर प्लेट किधर गए? ये रहे नीचे आ गए सबसे, जब ज़रूरत होगी होती है। एक सेकेंड, ये क्या है, ग्लिच है क्या है? नहीं ये हो क्या रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, क्या देख रहे हो? यानी कि ये इधर देखो, इधर देखो भाई, अजीब भी सिस्टम चल रहा है इनका। और इधर बाहर देखो, अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है, एक साइड पे कुछ और चल रहा है, दूसरी साइड पे कुछ और। भाई इस माइनक्राफ्ट का सिस्टम ही अभी क्या हो गया, पता नहीं इसका कोई दिमाग, इसका दिमाग भी है या नहीं। फिलहाल तो मुझे सारे चेस्ट उठा लेने हैं और टॉर्चेस तो मेरे इन्वेंटरी में आ चुकी होगी। हाँ आ चुकी है,
मैं फर्स्ट 38 वाली लगाऊंगा अंदर और ऊपर, क्योंकि ये इतनी टॉर्चेस नहीं लेता ये। ऐसे मैं लगाऊंगा ये जितनी भी लेगा। भाई अपने घर को अच्छा दिखना है, जितनी भी चाहिए मैं, यानी कि मैं ऐसे करता हूँ हर एक दीवार पे टॉर्चेस लाइन में होनी चाहिए, जिधर नहीं लगेगा उधर छोड़ देता हूँ। सारी जगह पे लगानी है, और ऊपर तो मैं लगाऊंगा जैसे भी लग गई, एक एक ब्लॉक स्पेस पता नहीं कुछ करके लगा दूंगा। मुझे लगता है मैंने सारी नीचे ही वेस्ट कर दी, ऊपर के लिए कुछ नहीं बचेगा। ज़मीन पे फिर बाद में अंधेरा होता है। इधर लगाओ, इधर लगाओ, और ये एक रह गई, कोई इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ। कहीं पे अंधेरा नहीं होना चाहिए, मॉब्स नहीं स्पॉन होना चाहिए भाई, बस अपने घर में मॉब्स नहीं चाहिए बस। तो चेस्ट एरिया हम स्टार्ट करते हैं, चेस्ट एरिया ये है। ये डबल चेस्ट के अंदर ये चीज़ें रख, टॉर्चेस के सिवाय, क्योंकि हम टॉर्चेस की मदद से अभी हम वो करेंगे, क्या है ऊपर अपनी छत को वो करेंगे ना, क्या है छत को, छत के ऊपर टॉर्चेस लगाएंगे। तो मुझे टॉर्चेस को छोड़ के सारी चीज़ें और रखनी है इसके अंदर। ये ले लेता हूँ, स्टेक में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा वो, ये मेरा एरो स्टेक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये अंदर गए, बाहर आए, थोड़ी सी सेंड दे दो, फाइव ठीक है। अंदर तो बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई, अभी ऊपर की बारी है, ऊपर चढ़ो भाई, इधर सही अंधेरा होने वाला है। तो अगर मैं मॉब्स की बरसात होगी इधर, अगर मैंने टॉर्चेस नहीं लगाई। तो गाइस मुझे लगता है बाहर से सही है रोशनी होने वाली है अभी, क्योंकि ये जो जितनी भी टॉर्चेस है मुझे सारी छत के ऊपर लगानी है, कहीं पे भी अंधेरा नहीं दिखना चाहिए भाई। और अच्छी लुक भी आती है ऊपर से, इसकी इसको भी देखो, इसके ऊपर थोड़े हैं इसलिए इसके ऊपर मॉब स्पॉन होते हैं। तो अब ये साइड हो गई, भी इस साइड की बारी, बस मैं चल रहा हूँ और लगा रहा हूँ थोड़ा भाई, थोड़ी बहुत, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एक एक जगह पे तीन तीन लगाई है। टॉर्चेस पे तो बड़ा महंगा निकला मैं, अब ये छह टॉर्चेस से ही काम चलाना पड़ेगा। क्यों, ये जो अंदर इतनी सारी पड़ी है उनका मैं क्या करूँ। तो गाइस चले जल्दी से नीचे चलते हैं, और जो उधर बाकी चेस्ट रहते थे उनको कलेक्ट करते हैं, फर्निस को कलेक्ट करते हैं, और उनको ला के यहाँ पे प्लेस करते हैं, और इस घर को फिर बाद में तोड़ेंगे। भाई ये क्या है, इन्वेंटरी में स्पेस है अभी भी? ये इसको नहीं खेल सकती, तो मैं ऐसे करता हूँ इस 5 सेंट को ही तो हटा देता हूँ। अभी टॉर्चेस हो जाएगी कलेक्ट, देखा कहा था। ये एक टाइप से अपना मॉब किलर वाला वो, इसे मेरे पास तो है एक्सपी फॉर्म में, इसका क्या करूँ, करता हूँ इसको तोड़ के इसके सामने 2 ब्लॉक्स लगा दूँगा, बाद में तोड़ दूँगा। तो भाई अंदर कुछ ज़्यादा अंधेरा हो गया, ये रिग्रेवल इधर 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 इधर, ये तो पूरा क्लोज हो गया। अभी इधर घर के अंदर इनको लगाते हैं, चेस्ट वगैरह को, देन न्यू घर के अंदर लगाते हैं इनको। अरे भाई एक सेकंड रुको, हाँ तो इधर से स्टार्ट करना है, रखना सारा खाना भी रखो,
ये रखो, ये वाले ले लो, क्योंकि भाई खाना बाद में यूज होता है, अभी तो इतना भी नहीं होता यूज। तो सॉरी गाइस, ये बेटरी ऑप्शन है। तो गाइस आज की वीडियो में इधर ही ख़त्म करूँगा, और दे आप देख सकते हो मेरा जो अपना न्यू घर है वो बन चुका है। तो गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय।